गन्ने का रेट बढ़ाओ आप, खाद का रेट कितना बढ़ा उस हिसाब से, महंगाई कितनी बढ़ी उस हिसाब से, कीड़े मार दवाइयों के रेट कितने बढ़े उसके हिसाब से, उनके रेट तो कई कई गुना बढ़ गए। और गन्ने का रेट 12-14 रुपए क्विंटल बढ़ाया जाता है, इसका मतलब किसान को मारने का एक रास्ता निकाल रहे हो नया नया। गन्ने का कम से कम रेट जो है वो 470 रुपए क्विंटल होना चाहिए, तब जा करके किसान की लागत जो है वो आती है। इसके अलावा दो रेट एक साथ अनाउंस किए थे अगले साल हैं, दो रेट एक साथ अनाउंस किए अगली बार के लिए भी 400 रुपए रेट अनाउंस अभी से इसी सीजन में कर दिए। अगली साल तो हम तय करेंगे, ये कौन होते हैं तय करने का, अगले साल तो नई सरकार बन जाएगी वो तय करेगी। खट्टर साहब तो 2024 अक्टूबर से पहले पहले जो बात करनी है वो करे, उसके बाद की नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भाजपा जसपा सत्ता में नहीं होगी, सत्ता से बाहर होगी। बुढ़ापा पेंशन जो है वो भी बढ़ाई गई है, 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है। मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि कोई चीज़ बढ़ाओ लेकिन उसके साथ महंगाई जरूर देखो कि महंगाई कितनी बड़ी है। आज आपके घर का खर्च जो है कई गुना नहीं बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया कई गुना? आमदन क्या है आपकी? आमदन तो वही की वही है, अगर खर्चे बढ़ जाएंगे, कपड़े की कीमत बढ़ गई, जूते की कीमत बढ़ गई, बच्चों की फीस बढ़ गई स्कूलों में, हर साल बढ़ती है। कोई चीज़ आप मुझे एक भी बता दो जो आप बाज़ार से लेने जाते हो, चाहे वो टूथब्रश है, पेस्ट है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, उसके हर साल दाम बढ़ते हैं। महंगाई के मुताबिक सारी चीज़ें बढ़ानी चाहिए। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बसों के भाड़े महंगे हैं, बिजली महंगी है, सस्ता क्या है बताओ। किस तरीके से देखते हैं सर, 3000 रुपये बढ़ाना बुढ़ापा पेंशन इतना किस हद तक जो है बढ़ाई जानी चाहिए थी? बीजेपी का जिक्र करें, वो भी कहते थे कि गठबंधन में आएंगे तो 5100, तो वो कह रहे थे कि हम करेंगे। मैं कहता हूँ 5100 से भी काम नहीं चलता बुजुर्ग, आज दवाइयाँ कितनी महंगी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।